तो बेटा हमने प्रीवियस क्लास में ये क्वेश्चन ये एग्जांपल स्टार्ट किया था, और मैंने आपको कहा था कि इस एग्जांपल को हम दो मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था बेटा, पी क्यू इज अ कोर्ड, पी क्यू बेटा आपकी कोर्ड है, इसकी लेंथ कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर, और फिर सर्कल, इसका सर्कल का रेडियस कितना है बेटा, यू कैन सी दैट 5 सेंटीमीटर, राइट। टेंजेंट एट पी एंड क्यू, बेटा टेंजेंट है पी और क्यू में बेटा, ये एक्सटीरियर क्वांटिटी, यहाँ से हमने टेंजेंट रोक के बेटा टी पी एंड टी, तो टेंजेंट है बेटा पी और क्यू पे, वो इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रही है, टी पॉइंट पर, हमें टी पी की लेंथ निकालनी। तो बेटा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया था, एक बार आपको रिविजन करवा देता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन बेटा, बेटा ये आपकी फिगर है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमने इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया था, हमने ओटी को ज्वाइन किया था। क्वेश्चन में फिगर में बेटा वो डॉटेड देने का मतलब ये है कि बेटा एक्चुअली ये कंस्ट्रक्शन। अब हमें फाइंड क्या करना था बेटा, टीपी, तो लेट टीपी को हमने बेटा क्या ले लिया था, एक्स। अब टीपी अगर एक्स है तो बेटा टीक्यू से क्या होगा, एक्स क्यों होगा बेटा, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। देन बेटा टीपी क्यू आपका एक आइसोसेलस ट्राइंगल हो गया, यू कैन सी दैट बेटा अपोजिट साइड अगर इक्वल है टी पी और टी क्यू, बेटा अगर अपोजिट साइड इक्वल है वो एक आइसोसेलस ट्राइंगल, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया बेटा कि टी पी क्यू इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, राइट। देन बेटा मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी बेटा जो आइसोसेलस ट्राइंगल होता है, हमने बेटा थ्योरम 10.2 में मैंने आपको करवाया था कि अगर आप जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसी तरह से अगर मैं इस रेडियस को बेटा इस पॉइंट से टच कर देता हूँ, तो वी हैव टू ट्राइंगल्स। हमने थ्योरम 10.2 में क्या किया था बेटा, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने, ये जो दो ट्राइंगल बेटा आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आई टोल्ड यू दैट ये जो एंगल वन है बेटा, ये एंगल टू के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये जो लाइन बेटा एक्सटीरियर पॉइंट को टच करती है सेंटर पर, एक्चुअली ये जो लाइन होती है वो इस एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर होती है, नॉट जस्ट दिस एंगल, एक्चुअली बेटा ये जो एंगल्स होते हैं ये भी इक्वल होते हैं, ये बाइसेक्टिविटी मैंने आपको थ्योरम 10.2 में प्रूव करवाया था, राइट। तो बेटा इट मीन्स ये एक आइसोसेलस ट्राइंगल है बेटा, जिसमें जो टी आर है, ये जो टी आर लाइन है बेटा वो एंगुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है बेटा वो इस एंगल के क्या है, इक्वल। तो हमने कहा बेटा पी पी क्यू इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल एंड टी आर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल टी पी क्यू। अब होता क्या है बेटा, जो भी आपका आइसोसेलस ट्राइंगल होता है उसमें जो एंगल बाइसेक्टर होता है बेटा, वो बेस के बेटा परपेंडिकुलर, और जो वो बेस को बेटा परपेंडिकुलर भी होता है बेस पर, और उसको बाइसेक्ट भी करता है। इट मीन्स ये जो आपको टी आर दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो टी आर है, ये जो बेस है बेटा पी क्यू, जैसे ये आपका एक आइसोसेलस ट्राइंगल है, इसमें बेटा ये हो गया टी, ये हो गया पी और क्यू, ये आइसोसेलस ट्राइंगल, राइट। नाउ बेटा ये हो गया आपका टी आर, अब क्योंकि बेटा ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, तो यहाँ से क्लियर हो गया जो टी आर है बेटा वो आपका एंगुलर बाइसेक्टर है। तो आइसोसेलस ट्राइंगल में बेटा जो एंगुलर बाइसेक्टर होता है वो ऑल्टीट्यूड भी होता है बेटा, और वो मीडियन भी होता है। ऑल्टीट्यूड का मतलब बेटा ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, और मीडियन का मतलब बेटा जो टी आर है आपका वो आर क्यू से क्या होगा, इक्वल, राइट। तो यही बेटा हमने यहाँ पर लिखा, क्योंकि टी आर बेटा एंगल बाइसेक्टर है आइसोसेलस ट्राइंगल का, इट मीन्स जो बेटा आपका टी आर होगा वो ऑल्टीट्यूड भी होगा बेटा और मीडियन भी होगा, ऑल्टीट्यूड भी होगा और क्या होगा बेटा, मीडियम। तो अगर फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ बेटा, कोई भी अगर आइसोसेलस ट्राइंगल होता है उसका जो एंगुलर बाइसेक्टर होता है बेटा, वो एंगुलर बाइसेक्टर ऑल्टीट्यूड भी होता है। ऑल्टीट्यूड का मतलब बेटा ये दोनों ही एंगल आपके 90 डिग्री होंगे, एट द सेम टाइम बेटा ये एंगुलर, ये साइड को बाइसेक्ट भी करेगा, यानी कि जो एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल होता है बेटा वो ऑल्टीट्यूड भी फॉर्म करता है और वो एक मीडियम भी होता है। मीडियम का मतलब बेस को बेटा दो इक्वल पार्ट पर डिवाइड करता है, राइट। बेटा इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये आपका बेस है पी क्यू, तो बेटा हाफ ऑफ कितना हो जाएगा, 4। तो बेटा ये जो पी आर है आपका ये भी 4 हो जाएगा, और जो आर क्यू है बेटा ये भी कितना हो जाएगा आपका, 4, राइट। देन बेटा एज यू कैन सी दैट पी आर इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा ये ऑल्टीट्यूड है, तो ये 90 डिग्री है,
यहाँ भी 90 डिग्री। अब ये देखो बेटा, ये जो है आपकी पूरी जो लाइन है ये ग्रीनर पेयर फॉर्म कर रही है, तो बेटा अगर ये 90 है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए 90। तो बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पे बेटा, तो कितने यहाँ पे राइट ट्रायंगल है। एक तो बेटा ये वाला राइट ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि आपको पता रेडियस जो होता है बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे बेटा परपेंडिकुलर होता है। रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया बेटा, तो बेटा ये क्या होता है आपका, क्योंकि ये जो टी आर है बेटा ये एंगुलर बाइसेक्टर है और ऑल्टीट्यूड भी है, तो बेटा ये 90 डिग्री इसलिए हो गया। अब ये दोनों बेटा लीनियर पेयर है, अगर ये 90 है तो बेटा ये भी 90। तो बेसिकली बेटा देर आर थ्री ट्राइंगल, थ्री राइट ट्राइंगल, वन इज टी पी ओ, वन इज ओ पी आर एंड अंदर इज टी आर। अब बेटा इनका यूज कैसे करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ओ आर पी या पी आर ओ को यूज करके, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा तो मैं शेड कर रहा हूँ, पी आर को यूज करके बेटा, पी आर की वैल्यू तो बेटा हमने अभी फाइंड आउट किया, क्योंकि ये 4 है, ये बेटा आपको 5 गिवन है, तो बेटा मैं ओ आर निकाल सकता हूँ। और भाई पाइथागोरस थ्योरम, ओ आर कितना आ जाएगा बेटा आपका 3, ओ आर कितना आ जाएगा बेटा। अब बेटा मुझे फाइंड क्या करना है, टी पी, टी पी फाइंड करने के लिए बेटा आई विल यूज दिस ट्राइंगल, आई विल यूज दिस ट्राइंगल। बट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स देर आर टू डिफरेंट मेथड। फर्स्ट मेथड इज कि बेटा आप एक ये ट्राइंगल लो, कौन सा टी पी ओ, और इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। अब ये बेटा आपका 3 है, तो से बेटा जो आपका टी आर है इसको हमने ले लिया वाई, तो जो ओ टी है बेटा ये आपका कितना हो गया वाई प्लस 3, टी पी बेटा आपका कितना हो गया एक्स, और बेटा ओ पी कितना है आपका 5। तो ये तीन साइड आ गई बेटा इस ट्राइंगल की। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे बेटा, राइट एंगल के सामने कौन सी साइड है, ओ टी, ओ टी का मतलब बेटा y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा ओ पी स्क्वायर 5 स्क्वायर और प्लस में बेटा टी पी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये आपकी बेटा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। एट द सेम टाइम बेटा वी विल यूज दिस ट्राइंगल, विच वन दिस, तो बेटा मैं ग्रीन पार्ट में शेड करूँ दिस वन, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। एक इक्वेशन तो बेटा आपको यहाँ से मिलेगी, जब आप इस ट्राइंगल को यूज करोगे बेटा, तो यहाँ पे जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बेटा ये 4 है, ये एक्स है और ये क्या है बेटा वाई। अब इस राइट एंगल के सामने कौन सी साइड है बेटा एक्स, तो कैन आई से दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 16। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई बेटा। तो ये जो एक्स स्क्वायर की बेटा जो आपकी वैल्यू आई है, ये आप इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है बेटा ये आप इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, एंड व्हाट वी विल हैव, ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और सेकंड इक्वेशन से बेटा जो भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा बेटा वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस, ये जो सेकंड इक्वेशन से बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है वाई स्क्वायर प्लस 16 बेटा, वो हम यहाँ पे पुट कर दें। जब आप पुट कर दोगे बेटा आपके पास एक वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो जो भी बेटा वाई की वैल्यू आएगी इसको फिर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, एंड वी विल हैव द वैल्यू ऑफ एक्स, बार बार किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा एक्स, तो वो कितनी आ जाएगी बेटा 20/3 सेंटीमीटर। ये तो बेटा मेथड 1 था जो मैंने आपको कल करवाया था। अब बेटा बात आती है मेथड 2, मेथड 2 में बेटा हम क्या करेंगे, सी जो आपकी बेटा फिगर है, ये बेटा ठीक है, मेथड 2 में क्या करेंगे बेटा, हम दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, वी विल कंसीडर टू ट्राइंगल, यहाँ कर देता हूँ बेटा मेथड 2, वी विल कंसीडर बेटा टू ट्राइंगल, वन इज बेटा ओ पी पी अनदर इज बेटा ओ पी आर, ओ पी टी एक ट्राइंगल बेटा हमने ये ले लिया, दूसरा हमने ले लिया ओ पी आर, ओ पी आर बेटा कहना है से दैट एंगल पी ओ आर, एंगल पी, अब यहाँ पे देखो एंगल पी ओ आर दिस एंगल बेटा, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ टी, बेटा कॉमन है ना, देखो पी ओ आर
और बेटा पी और टी, पी ओ आर हो गया बेटा इस ट्राइंगल का पार्ट और पी ओ टी हो गया बेटा इसका पार्ट, इट मीन्स कॉमन एंगल बेटा एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ टी, रीजन बेटा कॉमन, रीजन क्या हो गया बेटा कॉमन. नेक्स्ट बेटा एंगल ओ पी टी, बेटा ये भी 90 है तो बेटा ओ आर पी ये भी बेटा क्या 90, तो दो एंगल बेटा 90 डिग्री है. एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी टी एंड द रीजन इज ईच 90 राइट. देन बेटा नेक्स्ट apart from this beta देखो बेटा क्या और एंगल दिखाई दे रहा है जो आपका इक्वल होगा यहाँ पे पी ओ आर हो गया बेटा पी ओ टी हो गया ओ आर पी ओ पी टी हो गया बेटा नहीं तो बेटा कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूफ नहीं कर सकते हम सिमिलैरिटी प्रूफ कर सकते अगर किसी भी दो ट्राइंगल के बेटा दो एंगल्स इक्वल हो तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी दे आर सिमिलर इट मीन्स बेटा देयर फॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल ओ पी टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ आर पी एंड द रीजन इज एंगल एंगल सिमिलरिटी. बेटा अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो बेटा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होते हैं इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का मतलब क्या बेटा देखो हमने लिखा कैसे है यहाँ पे आपने लिखा O. अब इन ट्राइंगल्स को जो हमने नेमिंग किया बेटा कैसे किया सबसे पहले आपने लिखा O. O के बाद बेटा P. P यहाँ पे क्या 90 डिग्री और उसके बाद बेटा T. अब इस ट्राइंगल पर आ जाओ सबसे पहले क्या लिखा बेटा आपने O. वही सेम कॉरस्पॉन्ड वही ऑर्डर होगा बेटा O के बाद आपने क्या लिखा है यहाँ पे जो बेटा नेक्स्ट आपने लिखा है वो आपने लिखा है बेटा यहाँ पे P नहीं आएगा बेटा ऑर्डर में लिखोगे तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बनाना इजी होगा. पहले अगर बेटा आपने O लिखा है O के बाद बेटा इस ट्राइंगल में 90 डिग्री क्या है आर तो यहाँ पर आएगा बेटा आर तो पहले यहाँ पर O फिर P 90 डिग्री फिर थर्ड पॉइंट. इसी तरह से बेटा इस ट्राइंगल पे भी आपने इसी ऑर्डर को फॉलो करना है पहले बेटा O फिर R 90 डिग्री फिर बेटा इसका थर्ड पॉइंट P राइट. जब बेटा हम सिमिलर ट्राइंगल का रिविजन करेंगे तो मैं ये चीज आपको दोबारा क्लैरिफाई करूंगा कि ट्राइंगल्स को नेमिंग किस तरह से दी जाती है उसमें क्या होता है जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है बेटा वो आपको निकालने के लिए सोचना नहीं पड़ता राइट. अब आपने प्रॉपर वे में बेटा अगर आपने इसको नेमिंग किया तो क्या होगा बेटा यू कैन से दैट फर्स्ट टू साइड क्या है बेटा ओपी यहाँ से फर्स्ट टू साइड क्या है बेटा ओआर सेकंड सेकंड और थर्ड पॉइंट पीटी सेकंड और थर्ड पॉइंट बेटा आर एंड बेटा फर्स्ट और थर्ड पॉइंट ओटी एंड बेटा फर्स्ट और थर्ड पॉइंट ओआर यहाँ से क्या लिया बेटा आपने ओ टी बेस यहाँ से क्या लिया बेटा ओ टी बेस मीन्स अगर मैंने यहाँ से बेटा ओ पी लिया यहाँ से क्या लिया ओ पी तो यहाँ से क्या लिया बेटा आपने इस ट्राइंगल को भी आपने क्या लिया ओ पी यहाँ पे बेटा ओ आर है. अगर यहाँ से बेटा हमने ओ पी लिया है कम्प्लीट ट्राइंगल में वो इसका बेस है यानी कि बेस के साथ बेटा बेस आएगा तो इस ट्राइंगल पे बेस क्या है बेटा आपका ओ आर ऐसे देखो आप. फिर आपने लिया बेटा पी टी पी टी पे बेटा इस ट्राइंगल का क्या है ऑल्टीट्यूड इस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड क्या होगा बेटा आर पी. देन बेटा ओटी ओटी बेटा इस ट्राइंगल का क्या है हाइपोटेन्यूज राइट एंगल की अपोजिट साइड है तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या होगा बेटा ओपी यानी कि जो साइड इसकी बेटा वही साइड है राइट. यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा ओपी अब आप देख सकते हो बेटा अगर आपने प्रॉपर ऑर्डर में लिखा होगा यू कैन सी दैट फर्स्ट टू पॉइंट सेंटर एंड लास्ट पॉइंट सेंटर एंड लास्ट पॉइंट फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट फर्स्ट एंड लास्ट. अगर बेटा आपका ऑर्डर ठीक है तो आपको ये सब चीजें अपने आप ही आपकी फिगर आउट हो जाती है राइट. देन बेटा अब इसका रीजन क्या है बेटा प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, प्रोपोर्शनल साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब बेटा अगर मैं इन साइड्स की बात करता हूँ, ओपी, ओपी कितना बेटा आपका 5 अपॉन ओआर, ओआर कितना बेटा आपका 3 इक्वल टू बेटा पीटी, पीटी कितना बेटा एक्स, आरपी, आरपी कितना था बेटा, बाइसेक्ट हुआ था बेटा 4। आउट ऑफ दिस 3 साइड वी कैन टेक एनी 2 साइड, तो बेटा आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3। तो आप देख सकते हो बेटा कितना इजीली आपने मेथड 2 से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। और ख्याल मुझे आपको दोनों ही मेथड सिखाने थे, अब आपको जो अच्छा लगे वो बेटा पिक कर सकते हो। यू कैन राइट इट एज लेंथ ऑफ देयरफॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट टीपी इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर।